हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन यादव। आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिना किसी कंपास के या एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बगैर ही हम कैसे किसी लाइन पे या किसी पॉइंट पे हम कैसे 50 डिग्री का या 90 डिग्री का राइट एंगल कैसे देते हैं या कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हमारी एक लाइन रेखा है ये, जिस पे हमें राइट एंगल देना है या 50 डिग्री का एंगल देना है। तो सबसे पहले 50 डिग्री का एंगल देंगे तो हम क्या करेंगे कि एक हम टेप ले लेंगे और उस टेप को 5 मीटर खोल लेंगे। टेप को 5 मीटर खोल क्या करेंगे कि पहले जो फोन वाला होगा उसे ए पे रख देंगे और दूसरा बी पे रख देंगे और 5 मीटर जहाँ हमारा होगा वहाँ उसे बी वाले पॉइंट पे रख देंगे। फिर इसे हम वहाँ पे निकालेंगे, मतलब पॉइंट नाप के मेजरमेंट करके तब उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा बी आएगा। तो जब हमारा बी फाइंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर हम बी पे जीरो वाला पे जहाँ पे जीरो शुरू होगा उस टेप को इंगले में बजा के फंसा के यहाँ पे रखेंगे, बी पे रखेंगे। फिर हम पता करेंगे ये जो ऊपर जहाँ पे क्रॉस देखेंगे ऊपर की तरफ हमारा 5 मीटर कहाँ आता है, तो एक ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, आर्क या चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे कि चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो जीरो वाला होगा टेप का जो जीरो वाला पोर्शन होगा उसे हम फिर ए पे रखेंगे, ए पॉइंट पे। फिर जो हमारा 5 मीटर क्या होगा, 5 मीटर वाला होगा, यहाँ 5 मीटर लिखा होगा, उसे क्या करेंगे इस पहले वाले चाप के ऊपर एक क्रॉस मारेंगे, क्रॉस लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारा उसका क्रॉस का पॉइंट आएगा उसे हम क्या करेंगे ए से मिला देंगे, यानी हमारा जो वो पॉइंट आएगा उसे ए पॉइंट से उस क्रॉस पे ले जाकर मिला देंगे। देख सकते हैं आप लोग कि जब हम ए को सी से जाके मिलाते हैं और उसे इतना बढ़ाते हैं कि जाके फीड एफ पे पहुंच जाता है तो हमारा ये क्रॉस पे मिल जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का कोण आ जाता है और ये हमने साइड पे खुद किया है। और जो हमारी प्रॉब्लम आई है उसे फेस करने के बाद हमें पता लगा है कि ऐसे करने पर हमारा 60 डिग्री का एंगल आता है। जस्ट इसके बाद देखेंगे कि जैसे हमारे कहीं परपेंडिकुलर लाइन देनी हो किसी रेखा पे, किसी लाइन पे या किसी जहाँ पे हम मेजरमेंट किया है, तो जैसे हमें पी से और इस होम के सिंबल पे हमें एक राइट एंगल देना है या एक खसका देना है या ऑफसेट आप लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम पहले एक फिर से मेजरमेंट टेप लेंगे, मेजरमेंट टेप लेकर उसे हम 3 मीटर खोल लेंगे, 3 मीटर खोल लेंगे। तो जहाँ पे हमारा पी है, पी एक पॉइंट है जो हमें पहले से मालूम है, फिर से क्या करेंगे 3 मीटर खोल के इसे बी की तरफ, ये हमारा बी की तरफ बढ़ाएंगे। तो बी की तरफ बढ़ाएंगे तो जहाँ हमारा 3 मीटर आएगा वो हमारा ये आर है, यानी हम इसे पहले से नाप के रखे हैं। अज्यूम कर सकते हैं कि आप लोग एक साइड का है, तो ये हमारा पॉइंट आया आर। फिर जस्ट क्या करेंगे हम उसी टेप को हम 9 मीटर खोलेंगे, टेप को कितना 9 मीटर खोल के क्या करेंगे हम पहले तो एक जगह फ़ोन पे पकड़ लेंगे, मतलब उस पर दो लोग तीन लोग हो जाएंगे, दो लोग सर्वेयर मिलके क्या करेंगे एक पॉइंट को हम पी पे पकड़ेंगे। फिर जो 4 मीटर वाला होगा उसे हम इसे होम की तरफ आएंगे, 4 मीटर पकड़ेंगे और उसके बाद जो हमारा 9 मीटर जहाँ पे होगा उसे हम आर पे पकड़ लेंगे। तो क्या करेंगे दोनों तरफ से हम तीनों तरफ क्या करेंगे थोड़ा टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद हमारा क्या पता लगता है कि जब दोनों तरफ 5 मीटर की तरफ भी टाइट हो जाएगा और 4 मीटर की तरफ टाइट हो जाएगा तो एक हमें 4 मीटर पे जहां हमारा पहुंचता है और 5 मीटर पहुंचता है वहां पे एक पॉइंट मिल जाएगी जिसे क्यू नाम दिया गया यहाँ पर। तो उससे हम क्या करेंगे कि पी से मिला देंगे, पी को क्यू से मिला देंगे और आर को भी क्यू से मिला देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पी को नापेंगे, जब इस पी को नापेंगे हम पता करेंगे बाद में, मान लो पता कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, जो एक परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा एक 90 डिग्री का होगा, यानी ये हम ऐसे कर सकते हैं जो हमें
बिना बिना कंपास के या राइट बिना एंगल मेजरमेंट के हम ही राइट एंगल या 50 डिग्री का एक ऑफसेट साइड पे हम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे साइड के बारे में, तो हमें कमेंट बता सकते हैं और हमारी कमियों को भी कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कि हम ताकि हम अपनी कमी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो एक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।